हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूँ रानी, तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द पंक कनेक्शन पर। आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ, अभी कुछ देर पहले ही आशीष चंद्रानी का एक वीडियो निकला है उस पर, और उस वीडियो का नाम है रैंटिंग रवि एपिसोड 2। मैंने एपिसोड 1 नहीं देखा है, लेकिन एपिसोड 2 में ये पता चला है कि बंद करो सारा हाकी चूतिया। वेल गाइस, सो डैम ट्रू। आजकल पता नहीं क्या निकला है सारा का ऐप। मैंने नहीं किया है लॉगिन क्योंकि मेरा अकाउंट तैयार नहीं कर रहे वो लोग। पता नहीं क्यों मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा अकाउंट नहीं तैयार हो रहा है। तो एक्चुअली सब लोगों ने जिन लोगों ने यूज़ भी किया है, वो लोग बोल रहे हैं कि अच्छा है तूने लॉगिन नहीं किया, क्योंकि इतना मतलब दिमाग खा रहे हैं सब लोग, बस स्क्रीनशॉट उठा रहे हैं डाल रहे फेसबुक पे, उठा रहे डाल रहे। मतलब जो लोगों को पता भी नहीं है कि कौन सा रैंडम लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं, खुश हो जाते हैं उनके बारे में, कुछ अच्छा बोल दो इन्हें भी। ये भी नहीं पता कि वो एक्चुअली मीन करते हैं कि नहीं, और डायरेक्ट फेसबुक में डाल दे रहे हैं स्क्रीनशॉट पढ़ के। स्पेशली लड़कियाँ, अगर कोई लड़का आकर लड़की को ऊपर मुँह के ऊपर बोले ना आई लव यू, एक चाटा मार देगी या फिर बोल देगी कि निकलो यहाँ से। लेकिन वही लड़का अगर एनोनिमस होकर उसको सराह पे मैसेज भेजे कि यू आर सो क्यूट, यू आर सो प्रिटी, एंड शी इज़ लाइक स्क्रीनशॉट उठाओ भेजो, और शी लाइक हु इज दिस गाय, प्लीज बताओ मुझे यार कौन है, आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट योर प्रपोजल, स्टफ लाइक दैट। मतलब इतने क्या बोलूँ यार। तो आशीष तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, और मैं वेट कर सकता हूँ, बहुत ही सारे कस वर्ड्स होने वाले। पहले ही बोल दिया वार्निंग, 18+ कंटेंट, दिस वीडियो हैज़ कस वर्ड्स। सो या डेफिनेटली इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर दैट यू आर 18+ ऑफ एज, डजेंट मैटर। आशीष चंचलानी वीडियो आर अमेजिंग। सो या लेट्स सी व्हाट दिस वीडियो इज अबाउट इन 3, 2, 1 एंड गो। रियली okay, let me do this again in 3, 2, 1 and go. Hello everyone, मेरा नाम है रैंटिंग रवि, और आज मैं रैंट करने वाला हूँ, रोने वाला हूँ एक नए टॉपिक, नहीं एक पुराने टॉपिक के ऊपर जो वापस नए पैकेजिंग में आया है। अगर आप किसी गुफा में नहीं रहते, और अगर आप कोई फेसबुक या इंस्टाग्राम नाम के सोशल प्लेटफॉर्म पे हो, तो आपका फीड एक ब्लू और व्हाइट कलर के चुतियापे से भरा हुआ होगा, जिसमें लोगों ने अपने प्रोफाइल की लिंक डाली होगी, जिसे लोग कहते हैं saraha.com। अब ये एप्लीकेशन में क्या होता है, इस पे आप अपनी एक प्रोफाइल बना सकते हो, जिसपे लोग आके आपको कॉम्प्लीमेंट या गाली दे सकते हैं, मोस्टली गाली ही देते हैं, कोई नहीं देता, लड़कों को मेनली, जो आपको पता नहीं चलेगा किसने दी, और उसका फोटो खींच के आप ऑनलाइन डालोगे, ठीक है, और लोगों को दिखाओगे कि बिल्कुल मेरे को तो अफेक्ट नहीं हो रहा है, लोगों ने गाली दी है, हैशटैग हेटर्स गोना हेट, हैशटैग हेट। अगर मैं तुमको मुंह पे आके गाली देता हूँ, तुम मेरे को गाली देते हो, लेकिन अगर पीठ पीछे ऐप पे जाके मैं तुमको गाली देता हूँ, तुम उसको ऑनलाइन पोस्ट कर रहे हो। जब भी मैं तुमको मुंह पे चूतिया बोलता हूँ, तो जाके बताओ ना आशीष ने मेरे को चूतिया बोला, तभी तो नहीं बताते हो। जब मैंने ऐप पे बोला, देख मेरे को चूतिया बोला, देखो देखो मेरे को सिंपति दो, सिंपति दो, मैं सिंपति से नहाऊं। और ऐसे कुछ लॉन्डे हैं जो ऑनलाइन पोस्ट करते, खुद ही को तारीफ करके खुद ही पोस्ट करते, जिन लॉन्डो को कुत्ते देख के गली में मुंह मोड़ देते हैं, उनको क्यूट क्यूट वाले टेक्स्ट आ रहे हैं। और लड़कियां तो माय गॉड, ऐसी कुछ डम लड़कियां हैं, बहन की पकौड़ियां हैं, जिनको अगर मैं मुंह पे बोलता हूँ तो वो मुंह पे दिखाती नहीं है, लेकिन अगर पीछे से गाली दी तो वो ऑनलाइन डालेगी, यू डोंट नो द रियल मी। क्या बहन तुम क्या हो तुम रियल में, तुम्हारी छाती पे ज्यादा बाल आते हैं, पेप्सी पीती हो तुम, ठीक है। अगर आपको कुछ तकलीफ होती है आपकी बॉडी में, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, उसको बताओगे ना कि आपको ये तकलीफ है, या आपको चिट्ठी लिखोगे कि मेरी गांड में दर्द है डॉक्टर, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं मैं कौन हूँ, ताकि डॉक्टर की फोटो ले और ऑनलाइन डाले। भाई किसकी गांड में दर्द है यार, बताओ यार। हमारे बड़े बुजुर्ग थे, चले गए, उन्होंने हमारे भविष्य के बारे में क्या सोचा, क्या सोचाएगा कि गाड़ियां उड़ेगी, देश की उन्नति होगी, लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन क्या हो रहा है, हेलो टुडे आई सॉ यू इन वाइट ड्रेस ऑन गोल मैदान, योर एक्टिवा नंबर इज 3752, आई सॉ द एक्टिवा, माय लॉली गॉट खड़ा, सेंड नो कैन डू। क्या मिलता है ये सब करके, हाँ जब ये सब ऑनलाइन करते हो, तुम्हारी आत्मा तुमको अंदर से चूतिया नहीं बोलती, आगे क्या होगा, इसके आगे क्या आएगा, saras.com, हाँ जिसपे तुम अपनी प्रोफाइल बनाओगे और लोगों को बोलोगे ओ माय गॉड प्लीज सेंड मी योर टट्टी फोटोज एंड सेंड मी योर हॉट फोटोज, फिर वो हॉट टट्टी के फोटो तुम ऑनलाइन पोस्ट करोगे, ओ माय गॉड दिस टट्टी इज सो क्यूट, हूज टट्टी इज दिस डार्क टट्टी, हैशटैग फ्रेश टट्टी, हैशटैग ब्राउन एज फक। देखो मैंने जो भी बोला ना अपने दिल से बोला, प्लीज इसे दिल पे मत लेना, कहीं और लेना। मुझे पता है लोग मुझे गाली देने वाले हैं, गंदे गंदे कमेंट्स आने वाले हैं नीचे, मैंने वीडियो डाला नहीं और कमेंट ऑलरेडी आना चालू हो गए गंदे, लेकिन आपको भी पता है मैंने सच बोला, सच की कीमत तुम क्या जानो सराहा बाबू। प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल द saraha.com वाले यूजर्स, एंड लेट देम नो कि जो भी है ना चुतियापा है। थैंक यू। खत्म हो गया गाना, मजेदार गाना है गाइस। मैंने कहा था ऑलरेडी आप लोगों कि
बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है, भयंकर वीडियो होने वाली, क्योंकि जो भी उसने कहा कि एक एक बात सच है। हम लोग इतना आजकल अटेंशन पाने के लिए काम करते हैं ना ये सब, कि भूल जाते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट बोल की भी कोई चीज़ होती है यार, तो वो नहीं बचती है अभी तक। तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे भी बहुत इंटरेस्ट लगा था पहले जब मैंने सुना था कि सारा .com है, सब लोग ऐसे बोल रहे हैं, मैं जानना चाहता था। लेकिन फिर मैंने देखा कि एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा बोगस आइडिया है यार। मतलब क्या फ़र्क पड़ता है कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, और अगर फ़र्क नहीं पड़ता है तो तुम क्यों स्क्रीनशॉट्स उठा के फेसबुक पे डाल रहे हो, दिखा रहे हो, देखो उसने मेरे बारे में ये बोला, तुमने मुझे बुरा बोला, अच्छा बोला, क्या बोला। अरे यार, ये लोग तुम्हारी ज़िंदगी नहीं चलाने वाले, तुम अपनी ज़िंदगी खुद चलाओगे, तो क्या फ़र्क पड़ेगा तुमको यार, थोड़ा सा कुछ बोल दिया तो। आई डोंट थिंक देर इज़ एनी रीज़न टू डू दी स्टूपिड थिंग्स। जो भी हो, आशीष ने बहुत अच्छे से समझाया और एकदम परफेक्ट लैंग्वेज में समझाया। तो सभी सारा यूज़र्स, अगर मेरे कमेंट सेक्शन पे गालियाँ मेरे को ना दो तो प्लीज़ समझा कीजिए कि ये सब कोई आपके आपको इंसल्ट करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। ये सब बहुत ही एक सोची समझी चीज़ बोली जा रही है और बहुत ही ज़्यादा करेक्ट है कि सो या दैट्स व्हाट आई थिंक। और ये मेरा रिएक्शन और भावनाएं हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। अगर आप लोगों को मेरी ये भावनाएं और रिएक्शन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो पर, कमेंट कीजिए और बताइए कि आप लोगों में से कितने लोग सारा यूज़ करते हैं और किन लोगों को ये वीडियो एकदम सही लगी, मेरी बातें सही लगी, आशीष की बातें सही लगी, और आप लोग एग्री करते हैं डाउन बिलो कमेंट सेक्शन में। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अगर आप नए यूज़र हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बस 4 सब्सक्राइबर दूर है 1000 सब्सक्राइबर्स से, मैं तो कर दीजिए हिट सब्सक्राइब बटन। आपको मैं दोबारा देखूँगा इसी जगह इसी वक्त, हाँ इसी वक्त मोस्ट प्रोबेबली। तब तक के लिए चाओ।